मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 16 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है ज़मीन की भूख। दीना काफ़ी खुशहाल था। इस कहानी के पात्र का नाम है दीना, जो बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास अपनी ज़मीन थी, बड़ी मेहनत से खेती करता था, अपनी जो है लहलहाती फसल को देख कर बहुत खुश होता था। और परंतु वो अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान था, क्योंकि पड़ोसी के जो जानवर थे उसके घर में, उसके खेतों में आ जाते। पड़ोसी उसके अपने जानवर उसके खेतों में छोड़ देते थे, जिससे उसके फसलों का नुकसान हो जाता था। वो बड़ी ही विनम्रता से यानी प्यार से अपने पड़ोसियों को समझाता था, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और जो था, जब उससे उनका नुकसान अपना नुकसान सहाना गया, तब उसने अदालत में अर्जी दी, यानी वो कोर्ट गया। परिणाम ये हुआ, 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वो दीना से बैर रखने लगे। मतलब जिन पर जुर्माना होगा वो अब दीना से दुश्मनी करने लगे। गांव में दीना के पास सबसे अधिक ज़मीन थी, वो सबसे अधिक संपन्न किसान था। पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया था। अब लोग उसे अच्छे से व्यवहार नहीं रखते थे, लोग उसे पहले जैसे सम्मान नहीं देते थे। उसे सुना जाने लगा कि उसके बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की भी योजना बना रहे थे। एक दिन दीना अब घर के बाहर ही दालान में बैठा था कि एक परदेसी उसके घर के सामने से गुज निकला। उसने दीना को बताया कि वो सतलुज नदी के पास से आ रहा है, वहाँ एक नई बस्ती में नदी के पास से आ रहा है, वहाँ एक नई बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिलती है। ये सुनकर अब यहाँ की ज़मीन से बहुत अधिक उपजाऊ भी है, वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों से उसके व्यवहार से दुखी था, इसलिए उसने वहाँ जाने की सोच ली। अब सम्मिलित ज़मीन, अब वो अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच गया। सम्मिलित ज़मीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी। वो मेहनत से खेती करने लगा, पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर भी खरीद लिए। अब दीना आराम से रहता था, लेकिन अपनी सफलता का पर वो गर्व भी करता था। कुछ दिनों में वो अपने उस संपन्नता के जीवन का आदि हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन अभी कम है, पर्याप्त नहीं है, और अधिक उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। कि मतलब इंसान के पास जितना होता है वो उससे भी ज़्यादा की चाह करने लगता है। कुछ दिनों के बाद एक सौदागर दीना के घर आकर ठहरा। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। सौदागर ने बताया कि वो नदी के उस पार से आ रहा है, वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि जितनी चाहे लेकर जुट लो। सौदागर की बात सुनते दीना नदी पार की ज़मीन को प्राप्त करने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपने जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य वस्तुएँ ले ली और दीना के साथ लाइव। और वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकारी उनकी जीविका का आधार थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। दीना ने लाई हुई सभी वस्तुओं को भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया और दोभाषी यानी जो दो भाषाओं को जानता है के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता दें, यानी कि वहाँ की भाषा वो नहीं जानता था। लोगों ने वहाँ उसका उत्साह से स्वागत किया, उसे सबसे अच्छे डेरे में ले आकर बैठाया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वो आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार टोपी लगाए वहाँ आया, सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि उनका सरदार है। सरदार ने अपने साथियों के पास सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो उतनी ज़मीन अपनी पसंद से ले लो। जब सरदार ने तो दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पड़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की शर्त मान ली, तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? सरदार ने कहा, 1000 रुपया प्रतिदिन। सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का ये कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो, एक दिन का मूल्य 1000 होगा, यानी एक दिन में जितना तुम चलकर ज़मीन को लोगे उसका मूल्य 1000 होगा, चाहे वो कितनी भी हो। एक शर्त यह है कि तुम जहाँ से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले नहीं लौट आए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, लेकिन उसी दिन तुम्हें सूर्य के समय वापस सूर्य डूबने के समय लौट कर आना होगा, तभी तुम्हारे उतनी ज़मीन मिली जाएगी, नहीं तो तुम्हारा 1000 रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा। दीना ने सोचा, दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वो तुरंत सरदार की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं, वो ज़मीन के विषय में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा, उसमें तो बहुत सी ज़मीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना एक फॉर्म बनवाऊँगा, उसे जोतने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, कई आदमी रखने पड़ेंगे, जो ज़मीन उपजाऊ ना होगी उसे बेच दूँगा या बटाई पर दे दूँगा। दीना की रात इस तरह के सपने बनते बीती।